गुलाबो एक गिलास पानी लेके आना। पानी तो मैं ले आऊंगी जी, पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे जो सामान मंगवाया था वो आप ले आए। सॉरी गुलाबो, वो तो मैं भूल गया। आप ऑफिस से आके पानी मांगना नहीं भूलते, लेकिन मैं कोई काम आपको कह दूं ना तो एकदम से भूल जाते हो। आपको याद नहीं है मैंने आपसे बाजार से बर्गर और पिज्जा मंगवाया था। सच्ची में सॉरी गुलाबो, मैं भूल गया था। गुलाबो चल पानी रहने दे, जल्दी से खाना तैयार कर ले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं भी भूल गई जी खाने में क्या बनाना है। अब एक काम करिए, आज रात का खाना है ना होटल से ही मंगवा लीजिए। रोज रोज होटल का खाना, तुझे पता है 500 रुपए में होटल का खाना आता है तेरी पसंद का। मेरी तनख्वाह है सिर्फ 10,000 रुपए, 3,000 रुपए मकान का किराया, 2,000 रुपए दूध का खर्चा, 2,000 रुपए राशन वाले के। बस बस चुप हो जाओ, मैं देख रही हूँ आजकल ना तुम्हारी बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है। अब एक बात ना कान खोल के सुन लो, परसों मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन, और मेरी कुछ सहेलियाँ घर पे आ रही है और वो सब ना ड्रिंक करती है, वो भी अच्छे वाली स्कॉच। गुलाबो मैं तेरे रोज रोज के इन नाजायज खर्चों से कर्जवान होता जा रहा हूँ, कर्जवान। अरे औरत होती है ना, घर को बसाती है बसाती, तू उजाड़ने पे क्यों तुली हुई है। बदतमीज गवार कहीं का, तुझे क्या पता कि क्या शौक होते हैं, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, तुझे तो कुछ भी नहीं आता और मेरी जिंदगी भी ना तूने नरक बना रखी है। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है, अंदर से जाके लाइटर ले गया। गुलाबो तुम लाइटर का क्या करोगी? मुझे स्मोकिंग करनी है। गुलाबो तुम सिगरेट कब से पीने लग गई हो? क्यों, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या कि जो भी काम होगा वो तुझसे पूछ के ही करूंगी? गुलाबो मेरा कहने का मतलब है अच्छे घर की औरतों को ये बातें शोभा नहीं देती। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी जबान है ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, लगता तुम्हें तुम्हारी खुराक देनी पड़ेगी। जरा वो डंडा लेके आना उठा के। मैंने कहा डंडा लेके आओ उठा के। मैं कुछ कह रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? चल अब मुर्गा बन। गुलाबो तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो, तुम सुधर जाओ वरना। वरना क्या कर लेगा, चूहा शेर बनने चला है। वाह चूहा है ना, चूहा ही बनकर रहा है और अब मुर्गा बन। चल गुलाबो मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं, एक अच्छी पत्नी की तरह घर को स्वर्ग बनाओ नरक नहीं। मैं बनाती हूँ स्वर्ग तो। हाँ हाँ चली जा, तुझ जैसी औरत को रोकना भी कौन चाहेगा। मैं कह रही हूँ मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तू ऐसे नहीं जाएगी। नहीं नहीं गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने तुझ जैसी लड़की के साथ शादी की। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने आपकी शराफत का नजायज फायदा उठाया।
पति तो परमेश्वर के समान होता है, मैंने आप पे ही हाथ उठा दिया, मुझे माफ कर दो जी। अब मेरी समझ में आ गया कि एक औरत घर को बसा भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। आ गया ना समझ? जा मेरे लिए खाना लेके आ, बहुत जोर की भूख लगी हुई है मुझे। अभी लेके आई जी।